बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बिज़िदनी इल्मा रब्बिज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया हुआ था, डेरिवेटिव को पहले पढ़ा हमने, और फिर हमने जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और फिर हमने उसके साथ जो है वो हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज को स्टडी किया था। तो डेरिवेटिव सबसे पहले हमने डेफिनेशन की, फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किया, आफ्टर दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज किया, फिर उसके साथ प्रॉब्लम कुछ किए हमने, ठीक है। तो आज हम जो है वो डिफरेंशिएशन करेंगे। अब क्लास, वर्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है? अब डेरिवेटिव तो था सिंपल रेट ऑफ चेंज इन एनीथिंग, ठीक है, तो डेरिवेटिव था। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। Although there are many functions for which the derivative does not exist, our concern will be with the functions which are derivable, differentiable. तो बेटा बहुत सारे functions ऐसे हैं जिनके derivative exist नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपकी book में, आपके syllabus में, आपके जो level पे हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन functions को देखेंगे जिनका derivative exist करता हो या जो डिफरेंशिएशन जिनकी होती हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल हम स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन रूल्स। तो डिफरेंशिएशंस को बेटा हम जो नोटेशन होती है वो एक तो ये नोटेशन डी एफ बाई डी एक्स के डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसी तरह इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, डैश भी डिनोट करता है डेरिवेटिव को, या फिर हम जो है वो डी वाई ऑफ डी एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह भी हम डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रूल है कांस्टेंट फंक्शन का, कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, ठीक है। मतलब कहने का, जब डेरिवेटिव लें हम कांस्टेंट फंक्शन का, कांस्टेंट फंक्शन मीन वन सी की जगह पे वन आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, फाइव आ जाए। कांस्टेंट मीन स्टूडेंट्स क्या होता है? मुस्तकिल होता है, मतलब जिसकी वैल्यू डिफाइन हो। फॉर एग्जांपल वन है तो वन जहां पे भी चले जाए, दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाए, तो वन का मतलब वन ही होगा, मतलब वन डॉलर, वन रुपी, ठीक है। तो वो आगे साथ यूनिट लगा होता है, लेकिन वन मीन वन ही होता है, ठीक है। इसी तरह फाइव, फाइव का मीनिंग भी फाइव ही होगा। तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन इसके अगर मैं अल्टरनेटिव में देखूं तो अगर लिखा हो सिंपल आपके पास x लिखा हो या y लिखा हो या z लिखा हो, तो उनका मतलब वो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब हो सकता है x की वैल्यू 1 हो सकता है x की वैल्यू 2 हो सकता है x की वैल्यू जो है वो अली हो सकता है y की वैल्यू जो है वो साद हो सकता है कि z की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो, मतलब कहने का कि उसकी जगह पे कोई नाम हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है। तो हम कह सकते हैं वो वेरिएट करता है, एक्स वाई जेड जो है बच्चों वो क्या करते हैं? वेरिएट करता है। बट जो फिक्स वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे फिक्स वैल्यूज हैं, इस वजह से हमने उनको सी बोला है, ओके। नाउ अब हम उसको बताते हैं कि जब इसको डेरिवेटिव करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों उसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। जब डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे से उसने एग्जांपल दी हुई है, वही बातें जो इतनी मैंने की हैं कि वन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आंसर जीरो, माइनस टू का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, हंड्रेड का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, स्केयर रूट टू का लें तो वो भी जीरो, ठीक है। अब नाउ सेकेंड रूल इज पावर रूल। पावर रूल, दिस रूल इज वेरी important, this rule is very important for solving the derivative. तो इसको हम
पावर रूल को अप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहली बात कि इफ एन इज एनी रियल नंबर, अगर हमारे पास एन जो है कोई भी रियल नंबर है, एक्स हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, और एक एक्स ये लिखा हुआ है जो कि जिसके रिस्पेक्ट, जिसका रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा दो चीजें ध्यान में रखनी है पावर रूल के लिए। एक तो आपने देखना है कि जो पावर आ रही है वो एक रियल नंबर होना चाहिए। अब रियल नंबर बच्चों किसको कहते हैं? रियल नंबर हमारे पास आपको पता है रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, सिर्फ आयोटा वाली टर्म निकाल के कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर, ठीक है, बटे में हो सकता है, स्केयर रूट में हो सकता है, किसी भी हो सकता है। अब पावर में रियल नंबर हो और इसके पावर के नीचे जो एक्स लिखा हुआ है तो वो हमारे पास वेरिएबल हो, ठीक है जी। तो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं डी ऑफ डी एक्स, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका, एक्स की पावर एन का। तो क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास पावर होती है ना, जो हमारे पास पावर होती है वो हमेशा एक्स से पीछे आ जाती है, और जो पावर में से हम एक नंबर माइनस कर देते हैं एन माइनस वन, तो वो हमारे पास क्या आएगा, उस फंक्शन का एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव। लेकिन उसके साथ आपने देखना है कि जो उसका विदाउट पावर, विदाउट पावर हमारे पास एन के अलावा, विदाउट पावर यही होता है ना कि एन काट दें, तो उसका डेरिवेटिव देखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके साथ उसने लिखा नहीं हुआ लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, वो क्या होगा डी एक्स ओवर डी एक्स वन होगा वो, ठीक है। इसी तरह बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक और, अगर लिखा हो टू की एक्स, टू की पावर, सॉरी फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हो एक्स की पावर फाइव, इसका डेरिवेटिव लिया जाता है, पूछा जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालें, तो आप देखोगे आप फाइव पीच पहले देखोगे आप पावर में हमारे पास कोई रियल नंबर है, जो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ नंबर लिखा वही नंबर यहाँ पे है, तो अब फाइव पीछे आ गया तो पाँच में से एक माइनस करेंगे, तो पाँच माइनस एक ऐसे लिख लेंगे, और फिर विदाउट पावर पाँच को काट के देखना है बच्चों आपने, जो पीछे एक्स बचता है उसकी डेरिवेटिव लेना है, तो डी एक्स ओवर डी एक्स तो वो आ जाएगा हमारे पास वन ही आ जाएगा, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या रहेगा, फाइव एक्स की पावर फोर, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया किसका, एक्स की पावर फाइव का अकॉर्डिंग टू पावर रूल, ठीक है। सिमिलर वे से अगर मैं कहता हूँ जी लिखा ऑफ वाई की पावर तीन, ठीक है, तो डेरिवेटिव कहाँ जाता है जी, आपको डी वाई ऐसे ले, ठीक है, फंक्शन चेंज कर दिया ना उसने, तो पावर में हमारे पास कोई रियल नंबर है लेकिन यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, तो इसका पावर रूल लगाएं तो तीन ऐसे ही, वाई में से एक कम करेंगे, तीन माइनस एक पावर में से, और विदाउट पावर, विदाउट पावर क्या है, वाई अकेले का देखना है तीन छोड़ के, तो क्या होगा डी वाई ओवर डी वाई, तो वो कैंसिल होने के बाद आंसर वन आ जाएगा, इसे क्या रहेगा तीन वाई की पावर टू, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर कहा जाता है जी आपको, तो इस तरह हमारे पास ये पावर रूल होता है। अब इसी तरह एग्जाम्पल उसने दी हुई है एक्स की पावर पाई है, पाई यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी रियल नंबर है, पता है ना आपको रियल नंबर है, जो कि बेसिकली इरेशनल नंबर है, रियल नंबर की तरह के टाइप है वो, तो पाई में से पहले पावर रूल लगाया तो पाई पीछे आ गया एक्स से, और फिर पाई में से एक माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया। सिमिलर वे से ये है वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स की पावर यहाँ पे प्लस वन है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस वन, अब इस पे पावर रूल लगेगा तो माइनस वन देखा है पहले हमारे पास क्या वो रियल नंबर है, रियल नंबर है, माइनस वन पीछे आ गया, पीछे कराया गया एक्स की पावर माइनस वन, उसमें से एक माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो वो माइनस टू हो गया, तो विदाउट पावर देखेंगे एक्स का तो वो आंसर वन ही आएगा, तो वो माइनस टू नीचे उठा के ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे से आपने बाकी करनी है वर्किंग। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल। अब बेटा कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल मतलब ये होता है कि अगर एफ हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उसके साथ एक कॉन्स्टेंट नंबर सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सी शुरू में कॉन्स्टेंट आ जाएगा, जो कॉन्स्टेंट नंबर होता है बच्चों वो शुरू में आ जाता है, और बाकी हमारे पास फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव आ जाता है डी ऑफ डी एक्स साथ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो डी ऑफ डी एक्स को हम बजाय एफ डैश भी लिखते हैं, लिख सकते हैं, अगर कैसे रहने दे तब भी ठीक, कैसे लिख ले तब भी ठीक। अगर उसने नीचे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस पर लगाया अपने चार कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई और उसके साथ चार शुरू में आ गया, और इस पे पावर पे लगा दिया रूल एक्स की पावर तीन पे पावर रूल, तीन पीछे आ गया, पावर में से कम करेंगे तो माइनस वन तो माइनस टू आ गया, तो चार तीन बार बारह और एक्स की पावर टू आ गया। सिमिलर वे से ऐसे नीचे वाले कर सकते हैं,
एक्स की पावर टू है, ऊपर जाके क्या हो जाए, पहले आठ कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया अकॉर्डिंग टू अबव रूल, ठीक है, कॉन्स्टेंट हमेशा साइड पे निकाल लेते हैं, और पावर में से एक माइनस माइनस टू पीछे आ गया, ठीक है, पावर में से कम किया, तो माइनस टू में से माइनस वन करेंगे, हमेशा माइनस वन करना है, ये रूल है फार्मूले का, ठीक है, तो माइनस वन करेंगे तो माइनस तीन हो गया, तो आठ दो बार सोलह, तो माइनस का सोलह ओवर माइनस है, ऊपर नीचे जाके क्या होगा, पॉजिटिव एक्स की पावर तीन आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों रूल नंबर फोर, सम आर डिफरेंस फंक्शन। अगर मेरे पास दो फंक्शन है एफ और जी, डिफरेंशियबल हैं, सो देन सो आर एफ प्लस जी और एफ माइनस जी, तो वो क्या बनेगा, अगर वो सम हो रहे हो या माइनस हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव लेंगे तो अलग अलग का डेरिवेटिव आ जाएगा, ऐसे एफ वाले का अलग दूसरे वाले का अलग डेरिवेटिव आ जाएगा, या अगर ऐसे डैश लिखा हुआ है तो तब क्या होगा, डैश वाले का अलग लिख लिया, जी वाले का अलग आ गया, प्लस हो या माइनस हो वैसे ही एज इट इज आ जाएगा। ये उसने एग्जांपल दी हुई है एक्स की पावर पांच है, पहले इस पे रूल लगा पावर रूल, इसका डेरिवेटिव लेंगे ना लैदा का, फिर इसका लैदा का डेरिवेटिव लेंगे, इस पे पावर रूल लग जाएगा क्योंकि पावर में मेरे पास रियल नंबर है, पांच पीछे आ गया, चार पावर में से एक माइनस किया चार आ गया। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर जो अभी तो नहीं फिलहाल फर्क पड़ता कि विदाउट पावर वो डेरिवेटिव नहीं लेते, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होके डी ओवर डी एक्स और साथ विदाउट पावर पांच छोड़ के देखेंगे तो एक्स आ गया, तो लैदा पता कैंसिल हो रहा है, आंसर वन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आगे जाके कुछ क्वेश्चन में फर्क पड़ सकता है, इस वजह से आपके ध्यान में होना चाहिए कि जब पावर रूल लेना है तो पहले पावर पीछे, फिर पावर में से एक कम, और फिर विदाउट पावर, पावर छोड़ने के बाद डेरिवेटिव देखना कितना बनता है। इसी तरह से ये माइनस तीन पीछे, पावर में से कम करेंगे तो माइनस वन करेंगे तो माइनस फोर हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस फोर, ये एज इट इज लिख दिया, या माइनस फोर को उठा के नीचे तो प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है जी बच्चों। सिमिलरली इसी तरह रूल नंबर पांच है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, एफ और जी दो फंक्शन हैं डिफरेंशियबल हैं, उनका प्रोडक्ट क्या होगा वो भी देखें यहाँ पे जरा, प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, पहले दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल में पहले क्या होगा, पहले वाले को वैसे लिख लेंगे साइड पे, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे प्लस, फिर दूसरे वाले को वैसे लिख लेंगे, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, या उसको ऐसे लिख सकते हैं डैश होल पे लिख लिया, पहले पहले वाला वैसे ही दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला वैसे ही पहले वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई, यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, उसी तरीके से कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है, पहले वाला वैसे ही, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला वैसे ही, ठीक है। अब इसको ओपन कर लें तो यहाँ पे तीन पावर रूल लगेगा क्योंकि पावर में रियल नंबर है, तीन पीछे पावर से एक माइनस करेंगे टू आ गया, फिर विदाउट पावर देखेंगे तो वो वन ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस तीन, तीन का कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो, लिखने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से ये ऐसे ही, और उसके बाद ये 2x आ गया और कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गई चीज, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज क्रिएट हो जाएगी। इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड एज वेल परहैप्स बेटर बाय मल्टीप्लाइंग आउट ऑफ द ओरिजिनल एक्सप्रेशन फॉर y एंड डिफरेंशिएटिंग द रिजल्टिंग पॉलीनोमियल। बच्चों वो यहां पे ये बात कह रहा है कि आपने जिस तरह ये डेरिवेटिव का रूल अप्लाई किया यहां पे वैसे भी ठीक है, लेकिन आप चाहें तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई होगा फिर इस पे पावर रूल लगा दें, तैसे भी ठीक है ये बात, ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल में भी यही होती है, बात होती है कि पहले एफ और जी हमारे पास दो डिफरेंशियल फंक्शन है, तो क्वेश्चन में मतलब होता है कि वो बटे में लिखे गए हैं, तो उसको रूल का याद करने का तरीका अगर क्या है कि पहले नीचे वाले का स्केयर लेंगे, नीचे जो भी फ्रैक्शन से लिखा होगा उसका स्केयर ले लेंगे, फिर स्केयर को छोड़ के जो बीच में लिखा हुआ है वो ऐसे जी साइड पे आ जाएगी, जी एफ एक्स ऐसे ही आ गया साइड पे, फिर डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले का तो एफ ऑफ एक्स आ गया माइनस, फिर एफ ऑफ एक्स साइड पे कर देंगे जी एफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। मतलब कहने का कि अगर पहले आपने जो नीचे लिखा हुआ है वही नंबर साइड पे आएगा और दूसरे वाले का डेरिवेटिव होगा, फिर माइनस, फिर जो उसका डेरिवेटिव ले लिया था वो साइड पे आ जाएगा, पहले वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम जो है वो इसको डिफरेंशिएट कर लें, तो पहले बटे के नीचे जो है वो एक्स की तीन है उसका स्केयर आएगा, फिर उसके बाद एक्स की तीन को ऐसे साइड पे लिख लिया, फिर जो है वो ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा टू कॉन्स्टेंट का माइनस, फिर टू ऐसे ही साइड पे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स की तीन, तो टू का कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो से मल्टीप्लाई होगा सारा जीरो, इसे क्या रहेगा टू, यहाँ पे थ्री पहले आ गया और पावर में से एक माइनस करेंगे तीन में से एक गया तो दो आ गया, फिर विदाउट पावर देखेंगे तो वन ही बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 बार 6 माइनस का 6x² ओवर x की 6, ये x² के साथ x 6 कैंसिल हो जाएगा, इसकी 4 आ जाएगी, तो -6 ओवर x की 4 आ गई मेरे पास। ये नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, ये भी ऐसे ही है, पहले नीचे वाले का स्केयर लेंगे होल, फिर नीचे वाला ऐसे ही आ गया स्केयर छोड़ने के बाद, प्लस ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, फिर ये ऐसे ही आ गया और नेक्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नीचे वाले का, ठीक है। 1 - x² तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 6x, और उसके बाद फिर हम जो है वो यहाँ पे उसके विदाउट एंगल डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 ही बनेगा। इसी तरह ये ऐसे ही आ गया, पर इसका डेरिवेटिव लें तो -x² बनेगा, x² लिखा हुआ है ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पीछे आ गया, तो पीछे क्या रह गया, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, -2x आ गया। अब इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये चीज बन गई, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये चीज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है इफ y ये दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव, तो हियर यूजिंग द क्वेश्चन रूल विल रिजल्ट इन अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन विद मेनी टाइम्स इंस्टेंटेड यूज सम अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। बच्चों वो कहता है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये चीज बन गई। उसके बाद बच्चों हमने देखा कि जो चीज सिंप्लीफाई होती है, सिंप्लीफाई होने के बाद ये चीज बन गई, और अब x की 4 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, और इसके नीचे भी आएगा। तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे जब सेपरेट आ जाएगा तो कैंसिल होने के बाद ये आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, -1 शुरू में आ गया, x की पावर -2, और यहाँ पे x की 2 पीछे आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 पीछे आएगा, तो -2 माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो आंसर यहाँ पे जो है वो प्लस आ जाएगा, और पीछे हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर -3। आफ्टर दैट यहाँ पे रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 3 2 बार 6 माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, और पावर में से एक माइनस करेंगे -4 हो जाएगा। तो नेगेटिव को उठा के नीचे ले आए फ्रैक्शन से ताकि हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए, तो हमारे पास नेगेटिव को नीचे ले तो हमारे पास ये बन जाएगी, और उसके बाद ठीक है, तो यही चीज हमारे पास ये चीज क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दें तब भी ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज 4.3, वो कहता है क्वेश्चन में 1 to 20 आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और दूसरे नंबर पर है 21 to 26 यहाँ पे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव की अंदर वैल्यू 1 पुट करनी है, तो उसके बाद डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच द एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, वो 0 होता है। सबसे पहले 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है डेरिवेटिव निकालना है। पहली बात आपको पता है कि कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो वो डायरेक्टली हम 0 बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे पहले आ जाएगा -3 और पावर से एक माइनस करेंगे -4, उसके बाद 3 2 6 माइनस का 6, यहाँ पे देखिए ना यहाँ पे 2x की पावर -3/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे बच्चों क्या आएगा हमारे पास, 3 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 2 6 6/2, तो 2 कंसिडर होने के बाद 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 3 ये शुरू में लिख लिया इससे लिखने के बजाय, और यहाँ पे 2 ऐसे साइड पे लिखा और ओवर 2 आ गया, ठीक है जी ऐसे ही, और उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा 2 2 से, इसी तरह 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों क्या होगा, इसको मजीद सिंपलीफाई कर ले, -3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो आगे जाएगा x की पावर -5, यहाँ से आप -3 कॉमन निकालोगे तो हमारे पास मेनिंग चीज ये रह जाएगी कि x की 4 -4 प्लस x की पावर -1 5/2। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी आप जब डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो डेरिवेटिव का रूल जो प्रोडक्ट रूल है, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लें तैसे वैसे निकाल लें आप, तब भी ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ है तो वैसे ही निकालना जैसे मैंने प्रीवियस बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों हमारे पास, y इज इक्वल टू दिस लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पे बच्चों, आप क्या करोगे, प्रोडक्ट टू लगेगा यहाँ पे, तो 3x - x शुरू में आ गया, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, वो शुरू में पहले आ गया x - 5, और फिर उसका अगले का डेरिवेटिव आ गया, 3 - x आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। अब देखना यहाँ पे x की जगह डेरिवेटिव लेंगे तो x के साथ 1 आ गया, -5 में से 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ना, अब जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका, तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो यहाँ पे 1 रह गया, प्लस यहाँ पे x -5 ऐसे ही आ गया, और
उसके साथ तीन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, एक्स की पावर हमारे पास एक्स की पावर वन है, इसको डायरेक्ट देख सकते हैं किसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, लेकिन वो माइनस साथ ऐसे ही आएगा। मल्टीप्लाई कर ले तुम्हारे पास ये चीज बन जाएगी। आफ्टर डैट सिंप्लीफिकेशन जो है वो एट इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एट माइनस टू एक्स आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ग्यारहवें क्वेश्चन का। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मैंने ये मल्टीप्लाई किया है, आफ्टर डैट आप उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लो सेपरेट बाय यूजिंग द चेन रूल, तो तब भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस पे चेन रूल इस पे लग रहा है हमारे पास क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल भी सबसे पहले बटे से नीचे वाले का स्केयर लेंगे, वैसे लिख लिया, फिर बटे से नीचे वाले को ऐसे ऊपर लिख दिया, फिर हमारे पास जो फ्रैक्शन से ऊपर लिखा हुआ है बच्चों 2x-3 उसका हम जो है वो डेरिवेटिव लेंगे -2x-3 और अगले का डेरिवेटिव नीचे वाले का लेंगे 2x+1। तो यहां से बच्चों जब यहां तक कर लिया तो उसके बाद यहां पे देखेंगे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, यहां पे कितना आ जाएगा 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर ले मजीद, तो 4x+2-4x+ हो जाएगा 6। उसके बाद बच्चों सिंपलीफिकेशन करने के बाद ये 8/2x+1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो भी वैसे ही है जिस तरह मैंने प्रीवियस पैटर्न पे करवाया, वैसे ही करना है आपने। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन रूल में बताया वैसे ही पहले क्वेश्चन रूल, इसमें डबल रूल अप्लाई होगा, या डबल रूल अप्लाई कर लें क्वेश्चन भी और प्रोडक्ट इकट्ठा भी, नहीं तो आप जब वो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दें लहजा से, फिर लहजा लहजा देखो ये एक्स नीचे तकसीम हो रहा है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, तो लहजा कर दें, लहजा करने के बाद फिर ये कैंसिलिंग जो होती है कैंसिलिंग कर दें, तो फिर अब इसका डेरिवेटिव ले लें जैसे ही मैंने लिया हुआ है। तो सामने नजर आ रहा है आपको इसका आंसर, वैसे भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें बच्चों हमारे पास उसने यही कही हुई बात कि डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले बटे से नीचे वाले का स्केल लिया, फिर वो ऐसे ही आ गया, फिर नेक्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिया माइनस ये ऐसे ही आ गया, फिर उसके बाद जो है वो फ्रैक्शन से नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे, तो अब वो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिलहाल पहले ये एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव 15x4 आ गया और इसका डेरिवेटिव 2x-2 आ गया और ओवर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखें बेटा बच्चों जरा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे तो 5/3/15 आ गया, पावर में से एक माइनस करेंगे 4 आ गया, इसी तरह 5/3/15 आ गया और पावर में से एक माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग चीज बन जाएगी, तो ये चीज़ बन गई। और उसके बाद मजीद देखते हैं 3x2+4 कॉमन आ रहा है, एसिडिटी लिखते जाएंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा इस डेरिवेटिव वाले आंसर का। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 21-26, फाइंड द एफ डैश ऑफ एक्स और दूसरा है एफ डैश ऑफ एक्स, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, पहला डेरिवेटिव फाइंड किया तो इसका आंसर 20x आ गया। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद फिर आपने जो है वो इसके अंदर वैल्यू एफ डैश ऑफ 1 निकालनी है, तो आप जो है वो इसके अंदर 1 पुट करो 21 की जगह पे, ये क्वेश्चन 21 लिखा हुआ है तो वहाँ पे क्वेश्चन यूज इसी को करना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं जैसा कि यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20x1 = 20 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा इसमें तीसरा पार्ट था डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द एफ डैश ऑफ एक्स 0, एफ डैश ऑफ एक्स 0 होना चाहिए, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, पहली वैल्यू भी 0 के इक्वल, दूसरी वैल्यू भी 0 के इक्वल। तो यहां से बच्चों आप देखें जरा, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से इसी तरह नेक्स्ट भी किया तो यहां से 3x4 कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास ये चीज रह गई, इसको मजीद से वेरीफाई करें तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी। आफ्टर डैट फिर हमारे पास बच्चों जो है वो 3x4 × 3x2 - 8x+5/x²-2x+1² तो ये चीज हमारे पास क्रिएट हो जाएगी यहाँ से। Hopefully students you understand this lecture. If you have any question then write in comment box or in WhatsApp group.
अब स्टूडेंट्स आपने जब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।